हे गाइस, दिस इज समीर मार्क, नो लेफ्ट एंड राइट, ओनली मार्क वे। तो गाइस, सभी को पता है कि टिकटॉक बंद हो गया है, और सच बताऊं तो गाइस, मुझे सच में बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए नहीं कि टिकटॉक बंद हो गया है, देखा जाए तो एज अ देशभक्त के अगर एज अ देशभक्त देखा जाए तो सही है, इंडिया ने सही डिसीजन लिया कि टिकटॉक को, इतने सारे ऐप्स को बंद करके। लेकिन गाइज, एज अगर एक इंसान की तरह देखो, अगर इंसानियत अगर है मेरे में, अगर उस तरीके से देखूँ तो गाइज, ये गलत हुआ है बहुत लोगों के साथ, क्योंकि लोगों ने 4 साल दे दिए टिकटॉक को अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में। कितने लोग, मतलब टिकटॉक से जिनकी अर्निंग भी हो रही थी अच्छी, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पे कम थे। अब टिकटॉक बंद होने का तो वो बेचारों को क्या होगा? मतलब लोगों ने 4 साल दे दिए पूरा टिकटॉक को, अब टिकटॉक अचानक बंद हो गया पूरा, तब समझ सकते हो गाइस कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो सोशल मीडिया से कमा रहे थे। अब वो बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि वो साइड में उन्होंने कुछ किया नहीं, ना कोई बिजनेस सेटअप किया, ना कुछ किया। तो इसलिए गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वही लोग अभी ज़्यादा अभी अर्न करेंगे जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और अभी जो बेचारे टिकटॉक पे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे जिनके 10-10 मिलियन, 5-5 मिलियन, वो बेचारों को इंस्टा पे भी गेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। या तो मैं बोलूँगा गाइज, आप लोग हार मत मानना, यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब स्टार्ट कीजिए, और भी ऐप से सब में स्टार्ट कीजिए, अभी रुकना मत, बस बढ़ते रहना, आपको सक्सेस मिलना ही है, बस यही है गाइज। और मैं गाइज, ये मैं बहुत पहले बता चुका था एक वीडियो में कि टिकटॉक बंद होने का ये सब होगा, 4 साल यूज होगा, ये सब बताया था गाइज, तो बहुत लोगों ने उस चीज़ को नेगेटिव लिया था। मैं टिकटॉक के खिलाफ कभी नहीं रहा, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं रहा, मैं नहीं चाहता कोई इंसान के खिलाफ, वो बहुत आगे बढ़ गया तो उसके खिलाफ, वो क्यों आगे बढ़ा, मैं कहा कि नेगेटिव चीज़ों से आगे ना बढ़े लोग। और टिकटॉक ने वही किया कि नेगेटिव चीज़ों में लोगों को आगे बढ़ाया, बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले और अपना फ्यूचर खराब कर लिए। लेकिन यही बोलूँगा गाइस, दुआ करो कि टिकटॉक वापस आ जाए, टिकटॉक नहीं तो एटलीस्ट कोई ऐप ऐसा इंडिया लॉन्च करे जिससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी गेन हो, आप लोग कमाओ। क्योंकि गाइज, आपको भी पता है कि गरीबी बहुत आ चुकी है, बिजनेस काफ़ी बिजनेस बंद हो चुके हैं, अब सोशल मीडिया भी डाउन हो चुका है, तो अच्छा नहीं लग रहा है गाइज। ऐसी आप लोग दुआ करते रहो और खुश हो गाइज, बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है, समझो ये हमारा बुरा वक्त है और अच्छा वक्त भी बहुत जल्द आएगा हम सबका। थैंक यू गाइज।